दोस्तों विंडीज दौरे से पहले दिनेश कार्तिक ने अचानक किया बड़ा ऐलान, किसी को नहीं हो रहा है भरोसा। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से यहां पर दोस्तों वेस्टइंडीज दौरे से पहले कार्तिक ने बड़ा ऐलान कर दिया, आइए जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 जुलाई से क्रिकेट सीरीज खेलेगी। इस दौरान टीम इंडिया को 2 टेस्ट, 1 वनडे और 5 T20 मैच खेलनी है। ऐसे में दोस्तों टीम इंडिया के अनुभवी विकेट कीपर दिनेश कार्तिक ने बड़ा बयान दिया है। दिनेश कार्तिक फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि वह आगामी विजय हजारे टूर्नामेंट के जरिए क्रिकेट मैदान पर वापसी करेंगे। इससे पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि कार्तिक आखिरी बार पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आए थे। घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु की ओर से खेलने वाले कार्तिक ने कहा है कि वह विजय हजारे ट्रॉफी के लिए काफी उपलब्ध रहेंगे। दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा कि वह तमिलनाडु के चयनकर्ताओं को व्हाइट बॉल के इस टूर्नामेंट में खुद को उपलब्ध करने को लेकर जानकारी देंगे। कार्तिक के हवाले से स्टार स्पोर्ट्स ने कहा कि मैं तमिलनाडु के सेलेक्टर्स को कहूंगा कि यहां पर विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए मैं उपलब्ध हूं, टूर्नामेंट खेलने के लिए काफी उत्सुक भी हूं। 38 साल के कार्तिक पिछले साल भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा थे। दिनेश कार्तिक का कहना है कि वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेलना चाहते हैं। वह मान रहे हैं कि इन दोनों टूर्नामेंट में खेलने से अगले साल आईपीएल की तैयारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं दोनों व्हाइट बॉल के टूर्नामेंट में खेलना चाहता हूं ताकि मैं आईपीएल की तैयारी कर सकूं। आपको क्या लगता है, क्या दिनेश कार्तिक यहां से आईपीएल की तैयारी कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।